पता नहीं कैसे गाड़ी चलाऊंगा बस जैसे तुमने ही करनी थी शॉपिंग। हाँ सिब्बू दिला रही है, चलो चलो लूट लो लूट लो, और तबीयत खराब और कर ली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। भाई तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, आवाज से भी आपको पता लग रहा होगा कैसी आवाज हो रही है, और गला खराब है, जुखाम है, खांसी है, गले में दर्द है और हल्का सा फीवर भी है। बहुत हालत खराब है। आज शाम को महिंद्रा के इवेंट में जाना है मेरे को और सिब्बू को, पता नहीं कैसे जाया जाएगा। सुबह अभी ने अपने घर चला गया था। आज व्लॉगिंग भी लेट स्टार्ट इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि भाई आराम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, व्लॉगिंग करने का मन भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा। खैर पर करनी पड़ रही है क्योंकि डेली व्लॉग्स तो बनाने ही हैं अब। तो अभी विनय आ रहा है, अपने घर गया था विनय दवाई वगैरह लेने। विनय आएगा फिर मेडिसिन लूंगा, उसके बाद देखते हैं कितना आराम होगा कितना नहीं होगा, और शाम को महिंद्रा के इवेंट में जाएंगे फिर। सिब्बू तेरी तबीयत ठीक है? इस बार मैं बीमार हो गया। मोस्टली क्या होता था, मैं ब्लॉग में ही बोलता था गाइस सिब्बू की तबीयत खराब है, सिब्बू जल्दी सही हो जाएगी। इस बार उल्टा हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब सर फट रहा है मेरा बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे आराम होगा। रात से लेके अभी तक बस पता नहीं कैसे झेल रहा हूँ। जल्दी से बर भी ना आ जाए फिर उसके बाद उससे दवाई वगैरह लूंगा। क्या कह रही है? अदरक वाली चाय बना दूं? हाँ बना दे यार, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ब्रश करोगे या पहले ही दे दूँ? ब्रश भी करूंगा यार, नहाऊंगा भी, वैसे मतलब अजीब सा हो रहा है। मत ना हो रही। नहाने से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पड़ता है यार कभी ठंड वन लग जाए। वैसी सर्दी हो रही है, ठंड लग गई फिर। और कल एसी में भी नहीं सोए तुम, उधर अंदर गर्मी में सो रहे थे। वैसे भी गर्मी कितनी हो रही थी जब मैं जा रही थी ना कपड़े निकालने, तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो नहाओ मत, कपड़े चेंज कर लो, चाय बना देती हूँ। भाई ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, कभी इंस्टा बीमार हो जाता है, वॉमिट वगैरह करने लगता है। बीच में तेरी भी हुई थी हालत खराब, बीच बीच में होती रहती है तेरी थोड़ी थोड़ी। तो गाइस सिब्बू चाय लेके आई है, ये देती हूँ। हम चाय पे रहे और हमारा इंस्टा ऑरेंज खा रहा है। इसको ये ऑरेंज संतरे देख क्या, इसे इंस्टा को संतरे खिलाना सही है? एक वीडियो में देखा था मैंने, वैसे देख मुझे आइडिया नहीं है, पर खा तो ये सब लेगा। नहीं सब नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। किसने कह दी प्याज नहीं खाता? उस दिन डाला था आंटी ने। मैंने कितनी बार खिलाई है प्याज, खाई है इसने प्याज, और वो भी खाली प्याज, ऐसा भी नहीं कि उसके साथ कुछ दे दिया, लुक्की खाई है। बिना आ गया, बिना आ गया। मैंने पैर मत मारना। हाँ ठीक है, बंद किया क्या? आजा भाई आजा। विनय देखी आंखों में खौफ देखा मेरा, क्या पहले मेरे को देख रहा है फिर अपने जूते देख रहा है फिर मुझे देख रहा है, अब फिर मैं ही निकाल दिए। सामने खड़े हो, बंद कर दे। सामने खड़े थे तो मैंने बाहर निकाल दिए, वरना जूतों में आते हैं बंदे। भाई दवाई लाया घर से? यस। क्या क्या है इसमें बता तो। देखता हूँ अभी लूंगा, इंस्टा मार दूंगी, दूर हो जा। तो भाई अभी भी ना जो दवाई लाया वो दवाई लूंगा, उसके बाद देखते हैं कितनी देर में आराम होता है। फिर यार इवेंट में जाना है महिंद्रा के, तबीयत बहुत बेकार हो रखी है, बहुत बेकार। चल सेट। ओए करा ले, सेट करा ले। चाय लाऊं? सेट रुक जा, मैं पी लूं फिर लाती हूं। कैसे बीज निकाल के ऐसे खिला दूं? ऐसे खिला दे, ऐसे खिला दे भाई, बीज निकाल दे, इसके पेट में पेड़ उग जाएगा संतरे का। नहीं तो गाइस यहां पे इंस्टा सो रहा है और वहाँ पे विनय सो रहा है बढ़िया खराटे मार के। और विनय घर से अपने ये काढ़ा लेके आया था, तो एक कप ये मैंने अपना निकाल लिया है, एक काढ़ा पी लेता हूँ, उसके बाद शायद मेरी तबीयत में आराम हो जाए। ठीक है टेस्ट, मतलब जो होता नहीं काढ़ा बदनाम होता है कि भाई कड़वा है ऐसे लगेगा, बेकार टेस्ट। ठीक है इसका, ऐसे लगेगा ग्रीन टी पी रहा हूँ। बढ़िया है, बस आराम कर दे। तो गाइस काढ़ा वाड़ा पीने के बाद अभी हल्का सा तबीयत में आराम लग रहा है, हल्का सा ज्यादा नहीं। तो बार बार महिंद्रा से कॉल भी आ रहा है कि इवेंट में आज आपको आना है आना है, तो थोड़ी सी हिम्मत करके अभी मैं तैयार होके महिंद्रा के इवेंट में जाने की सोच रहा हूँ। सिब्बू को भी साथ लेके जाना है तो एक बार उसको उठा देता हूँ, वो सो रही है। देखो बिना अभी तक सो रहा है, यहाँ पे सिब्बू सो रही है और साथ में इंस्टा भी सो रहा है। अभी उठा देता हूँ सिब्बू को, तैयार होके फिर हम निकलते हैं महिंद्रा के लिए। सिब्बू सिब्बू चल उठ जा। तो गाइस मैं तो तैयार हो गया हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही मुंह वगैरह धो लिया है और कपड़े बदल लिए हैं। तो ये कपड़े डाले आज मैंने नीचे डाला, अभी शूज डाल के बस निकलता हूँ। सिब्बू अभी रेडी हो रही है इधर और इंस्टा यहाँ पे लेटा हुआ है। बस अभी सिब्बू ने खिचड़ी बनाई थी खाने में, तो खिचड़ी खा के दवाई लेके निकलता हूँ, थोड़ा आराम और पड़ जाएगा। काढ़ा पीने से मेरे को थोड़ा आराम मिला है, खिचड़ी खा के दवाई लूंगा तो थोड़ा और आराम हो जाएगा। चलो खा के निकलते हैं। तो गाइस सिब्बू भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हूँ, और अब लोग जा रहे हैं और इंस्टा को पता लग गया हम जा रहे हैं, तो ऐसे बिहेव करने लग गया। तो गाइस मैं और सिब्बू निकल चुके हैं, अभी तेल डलवा लेते हैं क्योंकि तेल बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में, सिर्फ 1-2 किलोमीटर की रेंज बची हुई है।
चलो भाई तेल डलवा लेते पहले। तो गाइज अभी मेरी तबीयत यार ज्यादा खराब है, मेरे को आराम लगानी है। मैं ये सोच के निकला था कि आराम हो जाएगा और हम लोग अपना काम जो है वो अटेंड कर लेंगे, बट मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही अभी। तो अभी गुड़गांव में ही है, थोड़ा वो ड्राइव किया है तो अभी हिम्मत नहीं हो रही कि आगे ड्राइव करूँ, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। यार कैंसिल करते हैं इवेंट सिब्बू, हिम्मत नहीं हो रही यार गाड़ी चलाने की। मैं घर पे कह रही थी रचित मत चलो, रहने दो, कैंसिल कर दो। उस टाइम मुझे लगा कि थोड़ी हिम्मत हो गई है, क्या पता पहुंच जाएंगे, बट नहीं हुई यार, आराम नहीं हुआ। मतलब क्या बताऊं यार, अजीब सा हो रहा है, शरीर बिल्कुल टूट रहा है बहुत ज्यादा, और ऊपर से फिर नाक बह रही है, खांसी जुखाम छींक सब कुछ हो गया एक साथ, फीवर भी। तो भाई चलो वापिस घर चलते यार, मेरे बस की नहीं है जाना, सॉरी सिब्बू। मेरे को क्यों, मेरे को बस एक आइसक्रीम खिला दो, सॉरी क्या हो गया, तैयार हो के आए थे आइसक्रीम खाने। चल ठीक है, आइसक्रीम मत खा, देख मैं खुद छींक मार रहा हूँ, मेरे को खाने दो ना, मैं तो ठीक हूँ। चल तू खा ले, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो फिर भी वो कर रहा हूँ तुझे सचेत। आइसक्रीम खाने से ठीक हो जाती है तबीयत। कुछ नहीं होता, वो कहने की बात है। चलो भाई वापस चलते हैं गाइस। तो गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंज है, अभी हम दोनों जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, 10 मिलियन की मेरी पार्टी है कुछ दिन बाद, तो सिब्बू उसके लिए मेरे को नए कपड़े दिलाएगी, तो भाई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, जाके नए कपड़े लेऊंगा अभी। ये ऐसे करता है गाइस, कोई नहीं। तो गाइज हम लोग पहुंच गए एम्बियंस मॉल और गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है, अभी ऊपर जाके मैं एक अच्छी सी ड्रेस खरीदता हूँ अपने लिए, तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं यहाँ पे कैफे में बैठ के, तो भाई अजीब सा मेन्यू है सारा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें से क्या ऑर्डर करें, मंगा ले कुछ फिर खा पी के निकलते हैं यार। नहीं पहले जारा में जाना है फिर उसके बाद जाएंगे। जारा चलो अच्छी जगह खा लेते हैं, यहाँ तो मेन्यू समझ नहीं आ रहा। जारा में खाना मिलता है, पहले जारा चल लो अपना जो भी लेना है ले लो, फिर खा लेंगे कुछ, या पहले कहीं और जाके खा लो, यहाँ तो मेन्यू समझ नहीं आ रहा, तो खाओगे क्या, कुछ भी पढ़ के मंगा लिया और फिर पता चला टेस्ट है ही नहीं उसमें, टेस्टलेस है। तो गाइस ये पिज्जा मंगाया अभी खाने के लिए और एक हॉट कॉफी मंगाई है, तो ये खा के फिर जारा चलते हैं। डाल दिया मैंने सब, ये भाई कॉफी आ गई है, पिज्जा का टेस्ट ठीक है, कॉफी अभी टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस हल्का फुल्का खा पी के हम लोग जारा आ गए हैं, ज़ारा से कुछ पसंद आ ही जाएगा क्योंकि हर बार ज़ारा का कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है मेरे को, तो चलो यहाँ से शॉपिंग करके देखते हैं क्या पसंद आएगा क्या नहीं। तो गाइस ज़ारा से हमने दो आइटम पसंद करे हैं, एक तो ये जीन्स हमने लिए, कितने लिए हैं पसंद किए हैं बोला मैंने। अच्छा, और एक ये है, ये घर जाके डाल के दिखाऊंगा, अभी इसका बिल करवा के निकलते हैं। गाइस ये इतनी देर से ले रहा है सामान, इतने 10-15 उठाए होंगे और उसमें से सिर्फ एक ड्रेस निकाली है, तो बेस्ट छाट के निकाली है ना, इसलिए टाइम लग गया। तो गाइस ज़ारा से हमने शॉपिंग कर लिया है, दो नहीं मैंने 4 आइटम लिए हैं, उसके बाद मैंने 2 आइटम और पसंद कर लिए, तो अपने 4 आइटम ये रहे और सिब्बू वो रही पीछे। तो चलो अभी चलते हैं वापस से, तबीयत भाई अभी सही हुई नहीं है, तबीयत डाउन ही है, आँख भी मेरी सिब्बू ने दिखाई थी लाल हो रही थी, खून जम रहा था ना। तो गाइस सिब्बू ने अपने लिए कपड़े ले लिए, क्या क्या लिया तूने, 3-4 आइटम ले लिए तूने भी है, जिम जाए भी कर, टी शर्ट लेने से क्या होगा। तो गाइस मैंने भी शॉपिंग कर लिया और सिब्बू ने भी शॉपिंग कर लिया और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, क्या काम करना है बता। बस वो लेस बांधो यार, खुल गए पता नहीं कैसे, बांधो प्लीज। वहाँ बैठ के बांध ले यार, मेरी तबीयत खराब है, मेरे से नहीं हो रहा, थैले भी तेरे को पकड़ा रखे हैं मैंने, थैले पकड़ लो मैं बांध लूंगा। हाँ थैला पकड़ लूंगा, कहाँ बैठ के बांधूं, ये रहा सोफा, यहाँ सोफे पे आराम से बैठ के बांध ले। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और भाई मेरी तबीयत तो बहुत डाउन हो गई है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाऊंगा बस। तुमने करनी थी शॉपिंग, सिब्बू दिला रही है चलो चलो लूट लो लूट लो, और तबीयत खराब और कर ली, जितनी हिम्मत मारी जा सकी उतनी हिम्मत मार के आया था मैं, लेकिन... तो कभी भी करवा देती शॉपिंग, रेस्ट करना चाहिए था ना यार, सच बताऊं तो रेस्ट ही करने का मन था, लेकिन बोरियत सी भी होगी थी, फिर वो इवेंट में भी जाना था, वहाँ भी मतलब फिर कैंसिल करना पड़ा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं घर पे, अभी जाके खिचड़ी खाऊंगा, दवाई लूंगा और फिर सो जाऊंगा, सोने से पहले कोशिश करूंगा ये व्लॉग एडिट कर दूं, क्योंकि सुबह अब लोग पोस्ट भी करना है वाला, खिचड़ी जो बनी हुई है वही गर्म करके खा लेंगे ठीक है। इंस्टा का वो कमेंट आया था, इंस्टा का चल सिब्बू ये सब ये तो रख दे, फाड़ देगा वरना इनको, अच्छा। तो गाइस ज़ारा से हमने ये लिए थे 4 आइटम, एक ये जीन्स लिए मैंने और एक ये सबसे पसंद आया मेरे को, सबसे बेस्ट ये वाला, ये वाला लगा, ये मेरे को भी पसंद आया था, फिर तूने भी बोला कि अच्छा है तो ये हमने ले लिया। और भाई एक ये टी शर्ट ली थी, एक टी शर्ट ली थी सेम है, इसमें से ये वाली विनय को पसंद आई तो ये विनय की,
ये पिंक वाली मेरे पास कम है, मेरे पास पिंक सेम का है। ये उस दिन ली थी, ये भी जारा से ली थी। ये अलग यार, ये अलग प्रिंट है, वो अलग है, वो ये भी हाफ है, वो पूरा तो तारंगी है। उसमें ऊपर, उसमें ऊपर एक तो कैप है देख, और ये पीछे से वाइट है देख। इसमें एक और है, इसमें हाफ स्लीवलेस। हाँ तो गाइस अभी इस व्लॉग को चलो यहीं पे एंड कर देते हैं। खिचड़ी वगैरह खा के दवाई खाऊंगा और फिर रेस्ट करता हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना इस व्लॉग को। बाय, फिर सुबह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ सुबह 10 बजे। बाय बाय गाइस। आज ना इसके पूरे व्लॉगिंग में मैं साथ थी, इसने जितनी बार क्लिप्स ऑन करी और जितनी बार रिकॉर्डिंग में बोला है ना कुछ भी, उसमें ये बात जरूर मेंशन करिए गाइस आज बहुत तबीयत खराब है, गाइस आज बहुत तबीयत खराब है। तो भाई देख जो है वो सच में है, नहीं है तो बता दे। है तो, पर आज पूरे व्लॉग में इसने कितनी बार बोला है गाइस तबीयत खराब है, ये बात मेरे को कमेंट करके बताना। और इसका दर्द मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी भी खराब है। पहले वो बीमार हुआ, फिर मैं बीमार हो गया, तू बच्ची हुई है अभी इसलिए बोल रही है। मैं बाद में आऊंगी, फिर तुमसे सेवा करवाऊंगी। चलो गाइस बाय बाय।